नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितिन वल्तरे पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जिनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने पोस्ट डाली थी जिस इट इज़ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो एग्जाम होने वाली उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे, तो लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, और आने वाले दिनों में 10-10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। सो आप नए हैं यदि हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, डैश इंडिकेट टू लाइन्स ऑफ स्पेसिंग इन बिटवीन टू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बोला है टू लाइन ऑफ स्पेसिंग इन बिटवीन टू लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि दो टेक्स्ट के बीच में टू लाइन होगी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, टू लाइन स्पेसिंग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर टू हो जाएगा। देन 32, प्रिंट ऑप्शन इज गिवन इन डैश मेनू। तो देखिए, प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे होता है, आप यदि अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको फाइल मेनू में दिखाई देगा। तो ये जो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, फाइल मेनू में आप अलग अलग ऑप्शंस देखिए, देखते रहिए, ताकि आपके दिमाग को याद हो जाए, तो कभी कैसा भी क्वेश्चन पूछे, उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछे, तो आपको आ जाए। तो प्रिंट ऑप्शन स्पेसिफिकली आपको पूछा जाए तो फाइल मेनू में होता है। देन 33, वी कैन अप्लाई द फॉर्मेट ऑफ एनी टेक्स्ट टू द अनदर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ। देखिए, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा क्विक। देखिए, कोई एक टेक्स्ट आपने लिखा, उसे आपने बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब सेम फॉर्मेटिंग है, बोल्ड और अंडरलाइन आपको किसी और टेक्स्ट में अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली उस सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर प्रेस करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर प्रेस करोगे, तो आपका क्या हो जाएगी, सारी फॉर्मेटिंग कॉपी, वही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी अलग अनदर टेक्स्ट को, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है फॉर्मेट प्रिंटर। देन 34 पे बढ़ते हैं, जनरली डैश अलाइनमेंट इज यूज फॉर मोर देन वन लाइन। तो देखिए, मोर देन वन लाइन के लिए हम जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, और आपका जो आर्टिकल होता है या फिर जो भी आप लिखते हो बिल्कुल प्रॉपर दिखा देता है जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के बाद। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 35, वी कैन नॉट स्टोर एनी लॉन्ग वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन क्विक पार्ट्स एंड यूज इट अगेन अगेन विदाउट टाइपिंग एम एस वर्ड। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा क्विक पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, यदि आपको पता हो गया, फिर नहीं भी पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। देखिए, क्विक पार्ट यदि हम यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, काफ़ी लंबा आर्टिकल है, और वहाँ पे कुछ जो वर्ड्स है बार बार आपको यूज़ करना है, यानी कि जैसे कि मान के चलिए मैं कुछ भी देता हूँ, मेरी वेबसाइट है, यानी कि माय वेबसाइट नेम इज़ www.nithinwalthare.com, इसे मैं बार-बार यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्विक पार्ट्स में ये जो वर्ड्स सेव कर दूँगा, उसको एक बटन जो है असाइन कर दूँगा, तो फिर वो बटन को मैं प्रेस करूँगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्विक पार्ट वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, वी कैन नॉट स्टोर, यानी कि नॉट स्टोर बोला है, लेकिन हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यदि स्टोर बोलता तो वो ट्रू हो जाता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। देन 36 पे बढ़ते हैं, व्हाट इज यूज टू कॉपी, ओके, व्हाट इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एम एस एक्सेल 2010। तो अगेन यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया, फॉर्मेट प्रिंटर, ये सेम क्वेश्चन हमने पहले देखा था, अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो 33 नंबर का शायद था वो क्वेश्चन। तो देखिए 36 में भी सेम पूछा, तो इसका भी सेम आंसर फॉर्मेट प्रिंटर है। तो ठीक है, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए आपको यूज़ करना है, तो आप मुझे लगता है आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरह से, आप मैंने समझा दिया है आपको, कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। देन 37 पर बढ़ते हैं, इन एम एस एक्सेल व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम गिवन टू वर्कबुक। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, अलग अलग फाइल यानी कि पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल की जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होते हैं वो आपको यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बुक वन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन 38 पे बढ़ते हैं, इन एम एस एक्सेल 2010 हाउ मेनी डिफ़ॉल्ट वर्कशीट आर फाउंड। तो यहाँ पे देखिए एम एस एक्सेल 2010 में 3 बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, यानी कि देखेंगे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, आप जैसे एक्सेल ओपन करोगे आपको दिखेंगे। 39 पे बढ़ते हैं, इन एम एस एक्सेल 2010 हाउ मेनी कॉलम्स अ सिंगल वर्कशीट हैज। तो देखिए इसका सही आंसर है 16384, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर है 16384। और अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेर यू फाइंड एन ऑप्शन टू ऐड हाइपरलिंक इन वर्कशीट इन एम एस एक्सेल 2010। तो देखिए इंसर्ट ऐप का भी यूज़ कीजिए, वहाँ से आप हाइपरलिंक डाल सकते हैं।
शॉर्ट में बताना चाहूँगा हाइपर लिंक क्या होता है। हाइपर लिंक बेसिकली एक लिंक होती है, जैसे आप आर्टिकल टाइप करते हो और वहाँ पे कुछ लिंक देना चाहते हो तो वो बेसिकली हाईलाइट हो जाएगी ब्लू कलर में, और वहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्टली पहुँच जाएगा वेबसाइट पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।